हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले सिनफैन के एपिसोड नंबर 17 के पार्ट 2 पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है ARY डिजिटल या ISPR के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस फुल एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले फुल देखो उसके बाद ये रिएक्शन देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो कट डाउन वर्जन होने वाला है। शुरू करते हैं, वी गो। नाम भी कितना कूल है, काकू। गन्स वगैरह यार, गन वन सब साथ में भाई। गन शूटिंग की ट्रेनिंग है ना, वो सो रही थी तब बोला था उन्होंने रापिया को, अगर गाड़ी से उतरा ना जाए ना तो मुझे पकड़ के उतार लेना। हाँ, अब इनको पैदल जाना है शूटिंग। ये सिर्फ चढ़ना है, उतरना भी है? नहीं, हम तो लिफ्ट से उतरेंगे। नहीं है तुम्हारे पास? मेरा खत्म हो गया है। बॉटल मस्त है यार, मेरे को भी ऐसी बॉटल में पानी पीना। ऐसी बॉटल में, इसमें नहीं। ऐसी बॉटल में चलो चलो, पहले ढूंढेंगे अपन ऐसी बॉटल। नहीं तो तू सोचे कि सायरा का झूठा पानी पीना है इसको। भाई ऐसा नहीं है। हरक्यूलिस हो? हाँ? हरक्यूलिस। और कैसे रिलैक्स होके आ रही है? हाँ। जो भी है आहिस्ता चलो, तुम्हें चलता देख देख करना। साहब हमारी और बेइज्जती करता है। बस इतना ही ऊपर चढ़ना है क्या? मैंने अभी सोचा था कि मैंने जाके पीएम में बात, तुम्हारी बात सुनकर ना किसी को ले जाए ना ले जाए, हमको जरूर ले जाएंगे पीएमए वाले के। दोनों आज जाले में दंग गई हूँ, थोड़ी देर बैठ के जालिम सांस ले ले। चलो चलो, वो सांस आखिरी सांस भी हो सकता है अगर स्टाफ ने देख लिया तो। अभी मुझे तो इस बात की टेंशन है मेरे रंग ना काला हो जाती धूप में। आई आई, मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। ध्यान से, इधर पत्थर है, ध्यान से आती रहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुबरा खान के एक इंटरव्यू में बताया था कि जो सैल्यूट टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट किया था। तो वहाँ के जो फौजी थे वो पूछ रहे थे कि इनको पास कर देते यार, फेल नहीं कर सकते, इनकी कोई गलती ही नहीं है। सही में? हाँ, इनका इंटरव्यू में उन्होंने बताया था। अच्छा, पर स्क्रिप्ट में लिखा था कि इनको फेल करना है, इसलिए फेल। मैंने बोला ना तेरे को, इनका तो सही लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे इसका गलत लग रहा था, उसको पास कर दिया था। फिर से गन चलानी है, ऊपर से नीचे निशाने लगाना। मेन तो ये है कि असेंबल भी करना रहता है, उसको स्टैंड बाय भी करना रहता है। वो बंदी तो अलग ही वो है यार। नेथनी को तो सब आता है यार, नेथनी को तो सब ही आता है। लाए क्यों उसे? अपनी रमशा खान को भी सब आता है गन के मामले में तो भी। हाँ, गोलियां इकट्ठे और कर रहे हैं उसके अंदर रखा हुआ। उनको पता भी है कि गोली कहाँ गिरेगी। सजल का भी गोली चल गई, सजल की भी इस बार थोड़ा बैलेंस दिखी। क्या बात, किसी का भी पड़ा नहीं ना, निशाना लगा नहीं ना किसी का भी। ये पकड़ना जरा, ओ गन, ये तुम्हारी राइफल का, ये फ्लैश हाइडर किधर है? हाँ, ना जरा बैंड बजा देंगे उसकी। वो गन तो फौजी के जिस्म का हिस्सा होता है। मैंने आपसे ज्यादा केयरलेस कैडेट अपनी जिंदगी में नहीं देखी, इतनी केयरलेसनेस। आपको अंदाजा है आप फौज के हार्ड अर्न पैसे से ली गई एक गन का इस्तेमाल कर रही हैं, और आप इस तरह से उसके हिस्से गुम कर रही हैं, जैसे कि ये आपके वालदैन ने लेकर दी है और गुम जाने पर आपको मार्केट से नहीं दिला देंगे। सॉरी मैम। मुझे गन का फ्लैश हाइडर हर कीमत पर चाहिए। पीछे क्या फैजल मस्जिद दिख रही, चार मीनार। आप सब लोग जाएंगे और जमीन का एक एक इंच स्कैन करेंगे। कोई मस्जिद होगी ऊपर। मुझे गन का फ्लैश हाइडर हर कीमत पर चाहिए। यस मैम। एंड व्हेन आई से हर कीमत पर, आई मीन इट। यस मैम। यस मैम। सबको बोला है क्या ढूंढने का? सबको ही ढूंढना पड़ेगा अब तो मिलके।
पता नहीं यहीं कहीं गिर गया या शायद मैंने कहीं उतार के रख दी है। मुझे तो ये टेंशन है अगर ना मिला तो। ना मिला तो बस ये मेरा सफर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं मिल जाएगा, मेरी आंखें ना बहुत तेज है, मैं चीज छपा भी बहुत अच्छे से लेती हूँ, ढूंढ भी बहुत अच्छे से लेती हूँ। यार क्यों क्यूट बहुत है यार, सजल अली ना छुपा दे मिल जाए उनको और क्यों। हाँ मैं कैसे दे देगी, या फिर उसे मिल जाए और दे देगी, ये हो सकता है कि उसे मिल जाए और वो दे दे। ये पॉसिबल है, तो फिर इनकी दोस्ती थोड़ा सा फर्स्ट एक लेवल ऊपर है। इसलिए एक टास्क दिया हुआ है उनको, इसलिए दे देंगी वो, कि वो टास्क एक तरह से दिया हुआ ना कि तुमको ढूंढना है यानी एक तरह से ये भी एक फौज का एक टास्क ही है कि वो एक चीज ढूंढना है आपको। हाँ ये भी है, मुझे तो लग रहा है उनको ही मिलेगी, सजल को ही मिलेगी। लग तो यही रहा है। मिल गया शायद, नहीं मिला, मिला 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 नहीं मिला नहीं मिला, मिल गया सजल को ही। मिलेगा तो सजल अली को, ये मिल गया मिल गया। अब वो सोच रही है कि छुपा दूँ क्या है ना। बदला लेने का ही बहुत अच्छा तरीका है, और इसके साथ माजुबीन का करियर भी खत्म हो जाएगा। एलसी माजुबीन, वेयर इज फ्लैश हाइडर, हैव यू फाउंड इट? नो मैम। यस मैम। दे दिया यार सजल अली ने। शौक हो गया इसको, सब पता है ना। ये अच्छा किया कि दे दिया। दादा नीर बोल रही इसको कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिला तो। दादा नीर का एक्सप्रेशन ऐसे ही था। ये रबिया, उसने टाइट कर लिया। तुम तो छा गए हो, कहाँ से मिला? तुम तो छा गए। शुक्र है रबिया तुम्हें मिल गया, वरना मैं सोच रही थी जो चीज मुझे नहीं मिल सकी वो किसी को कैसे मिलेगी। बोला था ना मैंने। इसका अलग ही एटीट्यूड है यार, कॉन्फिडेंट देख रहा है। कॉन्फिडेंस ये वो है जो अपने आप को स्मार्ट समझती है और लोग इसे स्वीट समझते हैं। थैंक यू। दिल चाह रहा था राइफल का हिस्सा फेंक दूं, क्योंकि मुझे पता था कि बाद तुम भी पीएनए से निकाली जाओगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि इतने हफ्तों में पीएमए ने ये तो नहीं सिखाया मुझे, दुश्मनी, पर्सनल ग्रज, बदला, इन सब कामों के लिए तो फौज का इंतखाब नहीं किया था मैंने, इसलिए वो किया जो एक कोर्स मेट करता। दोस्ती के लिए कुछ भी नहीं किया, ये गलत फहमी मत रखना कि तुम्हारे लिए किया। ये मैंने सिर्फ तुम्हें डिग्निटी और ऑनर नहीं सिखाई, मुझे भी सिखाया। तुमने अपने अंदाज में निभाई है और मैं अपने अंदाज से निभाऊंगी। क्या बात है, लड़कियों की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है ना। अल्लाह बचाए इनकी दुश्मनी। मुझे रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा और मैं बहुत खुशी के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ बगैर किसी नाराजगी के। इसका फादर भी तो यही चाह रहा था। चाचा आप कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। वो तो यही चाहता था। गांव में लड़कियों के स्कूल के लिए जो हम कोशिश कर रहे थे वो कामयाब हो गया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया। एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की से बाद में पता चलेगी शायस्ता, और दूसरी तरफ लड़कियों का स्कूल खोल रहा है। दादी जान, लड़कियों के स्कूल के लिए तो हम सब बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, और अब अच्छा है ना ये काम हमारे खानदान के हाथों। और जहां तक शायस्ता का बात है, उससे हमसे बहुत बेहतर लड़का मिलेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छी है। तू भी तो बहुत अच्छा है। ये बात तो सही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार ये बंदा। ये अच्छा है तभी तो ये डिसीजन लिया है उसने। अच्छा दादी जान मैं चलता हूँ, दोबारा चक्कर लगाऊंगा। होगी तो शाइस्ता से इसी की शादी। शाइस्ता प्रपोज करेगी अब इसको। हाँ ऐसे ही लग रहा है।
क्योंकि ये तो करेगा नहीं ना, क्योंकि इसने मना कर दिया। मैडम आपको पता है आज आप असल कोर्स स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी हैं, आज आपने असल कोर्स सीखना है, सही है? असल कोर्स ऐसे इवेंट है जो आपको यहाँ से जाने के बाद इनसे आपका वास्ता पड़ने वाला है जंग के दौरान, समझ आ रही है? तो मैडम कहीं भी आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से सीख लेना और किसी भी इवेंट को दोबारा करने की गुंजाइश ना रहे, क्लियर है? जी स्टाफ। मैडम असल कोर्स के टोटल आपके 10 इवेंट हैं। आज मैंने नेटवर्क को जीतने नहीं देना। मतलब इवेंट यहाँ खड़े रहो, कोई मतलब नहीं है, सारे काम आप रनिंग में करें तो आपके लिए अच्छा रहे, क्लियर? वहाँ देखना मैं क्या करने वाली हूँ। दिया जाएगा, क्लियर है तुम हमको? ओ क्या करने वाली है ये, नेतनी के पीछे क्यों पड़ी है? चीटिंग ना करनी है। ये सोच रही थी कि मैं सबसे आगे रहूंगी, पर नेतनी इससे आगे जा रही है ना, हर चीज में जा रही है ना, सबके सामने सबकी कंपटीशन में आ रही है वो। बट एक हेल्थी कंपटीशन होना जरूरी है यार, जरूरी है, तभी तो कुछ करने का वो रहता है। अच्छा ये इस पर है, उस पर वो बोल रही कि मैं देखते हैं बस कुछ चीटिंग ना हो, बस चीटिंग हो गई तो भाई वो दोनों बराबरी में जा रही है यार, पीएम पकड़ ही लेगा चीटिंग होगी तो। बहुत फनी लगती है पर यार, है ना शाइस्ता। क्या बात, क्या बात है, तो ईमानदारी से ही आगे चल रही है। ओ गिर गई, फिर से चलना पड़ेगा। फिर आ गई, ओ तो पीछे पीछे नेट में तो सबसे आगे हो गई होगी। आगे कौन चल रहा है यार, सबसे आगे कौन है यार, दिख किनेटिक्स नेट नहीं, सेकंड है। अरे ये उतर नहीं पा रही है, अरे भाई वो रियल है यार ये पूरा, बहुत इन्होंने रियल किया है आई थिंक, ये रियल ही किया है ना ये तो, कि भाई कोई जो निकलना चाहे निकल, फिर से आगे आ गई भाई शाइस्ता। सेकंड वो रहता ना किसी को कहीं पे अटक जाता है, कोई सेकंड पे सेकंड आ गई है, हाँ कोई कहाँ अटक जाता है, उसको हाइट का फोबिया है शायद, वो हाइट पे अटक जाएगी शायद सजल अली। अरे कर दिया पार सजल अली फाइनली, फुल कॉन्फिडेंस में, क्या बात है शाइस्ता। शाइस्ता खानजादा इस बार तो झंडे गाड़ने वाली है, पर देख के लग रहा है ईमानदारी से। ओरे 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 ओरे। ये कौन आगे निकल गया, बड़ी स्पीड में निकली यार, कौन थी वो? ओरे बाबा मजा आ गया भाई, ये सीन देख के मजा आता है यार। ये वाले सीन, ट्रेनिंग वाले सीन, ट्रेनिंग वाले। देखना ये है कि जीतेगा, फाइनली जाएगा कौन वहां पर। अच्छा ये फाइनल है शायद, इसलिए दोनों दिखा रहे हैं, एक पे वो एक पे ये दिखा रहे हैं। और ये आगे आ गई अब सारा, तुझे तो मैं नहीं जीते दूंगी। क्या हो गया भाई, चलो भाई एपिसोड तो यार मुझे पूरा देखना था यार, कभी देखना था एपिसोड क्यों खत्म हो गया। तो भाई ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और ये वाला बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ही कमाल का एपिसोड, इनका ट्रेनिंग पार्ट दिखाया और ट्रेनिंग के बीच में जो भी इनकी नोकझोंक होती है वो दिखाई, तो वो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो, खासकर वो ट्रेनिंग वाला पार्ट देखने में बहुत मज़ा आया। कौन जैसे जैसे सब लगभग जितने भी थे सभी एक के बाद एक, कभी वो आगे जा रहा है, कभी वो, कोई किसी की हाइट की प्रॉब्लम है तो वो हाइट की वजह से वो पीछे रह रही है, किसी की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम तो वो पीछे रह जा रहा है खुद के लिए, फिर किसी की रनिंग अच्छी है तो वो रनिंग वाले मेथड में वो आगे निकल जाता है, तो वो बहुत सही लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है उसकी वजह से, कि हर बंदा अपनी खासियत के हिसाब से वो चीज़ कर रहा है। जैसे बैलेंसिंग की बात, आखिरी में बैलेंसिंग की बात है, तो सारा जो है दिमाग लगाने के मामले में कि कितना चलना है, तो सारा सबसे आगे थी लास्ट वाले में, सायरा नाम है, सारा नाम है, सायरा जो है तो वो आगे थी, तो यार मज़ा आ रहा है देख के यार, वो मज़ा भी आ रहा है। बस एक चीज़ क्या वो रह गया कि यार पता नहीं चल पाया कौन जीता, वो तो अगले एपिसोड में पता, वो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और आज ही तो सैटरडे भाई, आज ही आएगा, आज ही आएगा, मतलब जल्दी ही रिएक्शन लेके आएंगे हम आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।